तो गाइस यार बहुत सारे न्यू गेमर्स आते रहते हैं और बहुत से मुझे कमेंट इंस्टा पर मैसेज और यूट्यूब की वीडियोस में कमेंट आते हैं कि भाई गेम एक्सप्रो जैसा हमें थंबनेल बनाना है, वो हम कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में गाइस यार मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी गेम एक्सप्रो के जैसा बिल्कुल थंबनेल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि भाई गेम एक्सप्रो भाई की जो थंबनेल्स होते हैं बिल्कुल अट्रैक्टिव होते हैं, बस यार देखते ही मन करता है बस देख लें वीडियो। तो आपको कैसे बनाना है गेम एक्सप्रो जैसा थंबनेल सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको बस वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से मिस ना पाए। गाइस मेरा नाम है शुभ और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको गेम एक्सप्रो जैसी थंबनेल कैसे बनेगी। उसके लिए आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही ओपन करोगे आपको ऐसा इंटरफेस स्क्रीन आएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है, इमेज साइज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कस्टम पर सिलेक्ट करके यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर देना है। ये साइज यूट्यूब थंबनेल का हो गया, ठीक है। फिर ये जो न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है इसको यहाँ से डिलीट कर देना है, डिलीट का ऑप्शन ओके, ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले अब क्या करना है आपको। अब आपको ये जो लेयर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। कलर का ऑप्शन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए इस पर क्लिक करना है और यहाँ से पहले इसका कलर चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ हम रेड कर देते हैं। रेड करने के बाद अब गाइस आपको यहाँ पर थंबनेल कैसे बनानी है, उससे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब आप गेम प्ले कर रहे हैं वहाँ पर जो भी आपका फेवरेट मोमेंट है जहाँ पर आप दिखाना चाहते हैं जो थंबनेल में, वहाँ का जो है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे कि मैंने ये ले रखा है पहले से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर वो स्क्रीनशॉट लेना है और इसको थोड़ा बड़ा करके और इतना सेट कर देना है। ये हमारी सेट हो गई, ठीक है। अब गाइस आपको यहाँ पर एक जो मेन वर्क है वो करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम एक्सप्रो भाई ने इधर भी ज़्यादातर एनिमीज M4 गन या कोई भी चीज़ का यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक PNG का यूज़ करूँगा जो कि आपको गूगल पर मिल जाएंगे। आप जाएंगे गूगल, ऐसे PNG आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के लिए ये थंबनेल बनाई थी, आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसा जो करेक्टर मिल जाएगा, गूगल पर जाइएगा और लिख देना पबजी गेम करेक्टर, वहाँ पर आपको ऐसे PNG मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद इसे साइड में लगा देते हैं, इस पर लगाते हैं स्ट्रोक, ठीक है, और ये स्ट्रोक हो गया। आप जैसा चाहें वैसा लगा सकते हैं, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। ये हमारा सेट हो गया। अब बाकी बची यहाँ पर लिखने की बारी। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है A का, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद प्लस का आइकॉन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से दो बार टैप करके जो आपको यहाँ पर लिखना है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद और भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो गाइस मैंने ऐसे ही लिख दिया, आप जो आपको लिखना है वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको इधर इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ से पहले फॉन्ट आपको जो अच्छा लगता है वो यहाँ पर सेट कर देना है। इतना करने के बाद इसको बीच में लाना है और इसको स्क्रॉल करना है। आपको एक बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इनेबल कर देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ से आप जो कलर चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं, मैं येलो करके दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद आपको इस जो फॉन्ट का कलर है वो चेंज कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर मालूम नहीं पड़ रहा है तो मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरे में कैसे इसका बैकग्राउंड दिखेगा। तो आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर गाइस सॉरी आपको तीसरा नहीं, कुछ नहीं करना है तीसरे में, तीसरे का आपको ये जो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल फुल कर देना है। उसके बाद पहला ऑप्शन है ये भी आपको फुल कर देना है, ठीक है। फिर आपको इसे थोड़ा इधर उधर कर लेना है, तो बिल्कुल सेट कर लेना है यहाँ से, इसका साइज थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा गाइस, तो बड़ा कर लेते हैं अभी, ये बड़ा कर लिया और ये सेट कर दिया यहाँ से, ठीक है। अभी हमारी थंबनेल जो कंप्लीट बन चुकी है, अब इसको कर लेते हैं सेव गैलरी के अंदर। ये हमारी गैलरी में सेव भी हो गई, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी चलते हैं गैलरी में। तो गाइस अभी देख सकते हैं ये जो थंबनेल है बिल्कुल गेम एक्सप्रो जैसी थंबनेल बन चुके हैं HD में। तो गाइस आई होप आपको सारा कुछ समझ आएगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।